गुड मॉर्निंग सभी को, मैं हूं पवन और मेरे संग आप जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में, नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में, इन शॉर्ट कहा जाता है NSS। यदि आपने अभी अभी 11th में एडमिशन ली है या आप कॉलेज अभी भी गए हैं या यूनिवर्सिटीज गए हैं तो आपके सम्मुख NSS को ज्वाइन करने का मौका जो है वो रहेगा। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप NSS को ज्वाइन करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी दो दिन पहले जो है छत्तीसगढ़ रायपुर, जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर NSS का एक कैंप होता है और वहाँ पर राज्यपाल आती है जिनका नाम है अनसुईया उइके, और वो बड़े गर्व के साथ कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं NSS की स्वयं सेविका रही हूँ। कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझ में जो लीडरशिप क्वालिटी आई है, जो आत्मविश्वास बढ़ा है, सकारात्मक सोच बनी है, वो केवल NSS के कारण। तो कितने इसी प्रकार के स्वयं सेवक आपको मिलेंगे जो अपने मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। तो फिर से कहूँगा NSS जरूर ज्वाइन कीजिए। क्यों, उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। जो बच्चे 11th और 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट में कर रहे हैं उनके लिए, और जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं NSS मतलब नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में। इस संस्था को सक्रिय जो तौर पर चलाने वाला, संचालित करने वाली है वो भारत सरकार है, लेकिन जो इसे चलाने वाला है, जो संस्था है, उसका नाम है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, इसको संचालित करता है। और यहाँ पर विद्यार्थियों को समाज के लोगों के साथ, समाज के साथ मिलकर उनके हित के लिए कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहित करती है, चाहे वो साक्षरता का काम हो, चाहे वो पर्यावरण का काम हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा सफाई से संबंधित हो, या आपातकालीन परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदा के समय में पीड़ित लोगों की सहायता का कार्य हो, वो सब किसके द्वारा किया जाता है, NSS के द्वारा किया जाता है। ये बच्चों में राष्ट्रीय सेवा की भावना को उजागर करने वाली संस्था है, समाज सेविका है। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने पिक्चर्स जो लगाई है, सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद, और ये NSS के प्रेरणा पुरुष माने जाते हैं। कब से माने जाते हैं, 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दिन उनको जो है युवा प्रतीक के तौर पर, NSS के युवा प्रतीक के तौर पर बना दिया गया है, मान लिया गया है। कब से, 1985। अब इनके बारे में सभी को मालूम है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1893 ईस्वी में इनको शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन वहाँ हो रहा होता है और वहाँ जाते हैं, उनकी वेशभूषा देखकर जो है वहाँ उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता, और अंतिम क्षण में एक अमेरिकन व्यक्ति के कारण जो है, सहयोग के कारण उनके, उनको कुछ पल दिए जाते हैं, कुछ ही पल। लेकिन उन कुछ ही पलों में जब वो बोलते हैं ना, जब वो कुछ कहते हैं, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो उन्होंने भारतीय दर्शन को, अगर आज हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो पिछला जो हमारा इतिहास रहा है, हमारा जो दर्शन रहा है, वो बहुत ऊंचे स्तर का रहा है, तो उसका श्रेय जो है सीधा जाता है स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि इस संस्कृति को लेकर वो अमेरिका पहुंचे थे और उसका वखान किया बड़े अच्छे तरीके से, और इस प्रकार से भारत के गौरव को उन्होंने बढ़ाया। तो इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत बनाना स्वामी विवेकानंद अपने आप में बड़ी बात है, NSS का अहदा यहाँ और बढ़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इतिहास के संदर्भ में। जैसे भारत आज़ाद होता है, ये पिक्चर से आप अनभिज्ञ नहीं है, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और पहले राष्ट्रपति वाइस भी रहे हैं। कब, 1952 से लेकर 1962 तक जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे, और उसके पश्चात जो है ये रहे प्रेसिडेंट के तौर पर। कब, 1962 से लेकर 1967, और नाम आपको जानते हैं, क्या नाम था, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बड़े योग्य व्यक्ति, बहुत उच्च शिक्षक रहे हैं अपने समय में। तो इन्होंने उस समय जो है, क्योंकि ये जानते थे कि इस तरह का जो है एक NSS के नाम से संस्था चलाना और उसका कार्य क्या रहेगा, कि देश हित के लिए क्यों जरूरी है, इसलिए उन्होंने संस्थानों से जो है आग्रह किया था कि इस प्रकार की सेवा जो है वो शुरू की जाए। तो पहली सिफारिश इनके द्वारा हुई थी।
फिर उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। तो उन्होंने 1958 ईस्वी को जो है सभी मुख्यमंत्री, जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री, उनको एक पत्र लिखकर कहा कि ऊंची शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, स्नातक स्तर पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह शर्त मना ली जानी चाहिए कि वो NSS को रखें। और इस योजना को तैयार करने का निर्देश भी उनके द्वारा दे दिया गया था उस समय 1958 में। लेकिन हुआ क्या, सही मायने में 1969 में 24 सितंबर 1969 को, और 1969 से याद अगर आपको आता है तो 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो उनके 100वें शताब्दी वर्ष जो हो जाता है, 100 साल उनके जन्म को हो जाती है 1969। तो इस उपलक्ष्य के ऊपर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री उसमें थे VKRB राव। तो इन्होंने इस NSS का जो प्रारंभ जो है किया था, कब, 37 विश्वविद्यालय, कब ये बता दिया गया, लेकिन 37 विश्वविद्यालय में सबसे पहले NSS को शुरू किया। अगर उसके बाद इसका विस्तार होता चला गया और प्लस टू लेवल तक इसको लाया गया, इस संस्था को, क्लियर है। तो VKRB राव, याद रखना, इनको द फादर ऑफ NSS भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और इनका पूरा नाम क्या है, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। तो 1969 याद रखना है। अब चलते हैं आगे, बात कर देते हैं प्रतीक के बारे में, सिंबल क्या है, NSS का जो सिंबल है वो क्या है। ये भी बहुत बार जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या है सिंबल। देखेंगे कि सिंबल सूर्य मंदिर की बात जब भी आता है, एक ही बड़ा विशाल प्रसिद्ध जो है विशाल मंदिर है उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर के ही साथ में, बगल में ही जो है एक बड़ा जो है वो विशाल रथ बनाया गया है। इस विशाल रथ में जो पहिए बनाए गए वो इस तरह से हैं, ठीक है। अब ये जो विशाल पहिए हैं, इनमें से ही, इस विशाल पहिए से ही जो है ये हमने सिंबल लिया है। 8 तिलियां यहाँ पे। तो ये जो 8 तिलियां, माना जाता है कि दिन और रात को मिलाकर 8 पहर बनते हैं। तो हम तैयार हैं 8ों का 8ों पहर, 24 घंटे हम देश की सेवा के लिए तत्पर हैं, NSS में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। ये प्रतीक हैं 8 तिलियां, ठीक है। उसके बाद जो रेड जो अंदर आता है, रेड जो है ब्लड भी कैसा होता है हमारा, लाल होता है। कहते हैं जो युवक होता है, युवा होते हैं, वो रक्त से भरपूर होते हैं, मतलब सक्रियता होती है, ऊर्जावान होती है, जीवंत होते हैं, तो इसलिए लाल रंग उसी को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद आता है नीला गहरा रंग। जो नीला गहरा रंग है, ब्रह्मांडकार है, रंग है पूरा ब्रह्मांड जो है नीला गहरा रंग का है। तो उस ब्रह्मांड में NSS एक अंश मात्र है, एक छोटा सा है। तो उस अंश मात्र के कल्याण के लिए जो हम सब हिस्सेदारी है, हमारा भी उसमें एक अंश हिस्सा है, हम भी जो है उसमें हिस्सेदारी रखते हैं, देश के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के हर तरह के काम करने के लिए। तो ये सेवा, ये जो आपका सिंबल है वो इस तरह से कंप्लीट होता है, या हम ये कहें कि NSS के निरंतर प्रयास ये सिंबल जो है वो पेश करता है कि हम लगातार तैयार है देश की समृद्धि के लिए, देश के हित में, समाज की सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार ही ये सिंबल निर्देशित करता है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आता है लक्ष्य, एम क्या है। एम हमेशा वही कि बिना पक्षपात के समाज की सेवा करना, बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी भी जाति भेद के, धर्म के, केवल देश की सेवा करना, ये एम है। हर जरूरतमंद के जीवन में स्तर को बढ़ाने में हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, इस धरती माँ को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, ये सब बातें इसमें जो है एम रहती है, लक्ष्य रहता है। फिर बात कर लेते हैं संगठन। नई दिल्ली का इसका मुख्यालय है, पूरे भारत का जो मुख्यालय है वो दिल्ली, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो है श्री पंकज कुमार सिन्हा। तो अब तक भारतवर्ष में 15 जो है वो डायरेक्टरेट, रीजनल डायरेक्टरेट जो है वो 15 हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों को मिलाकर जो है हमारा डायरेक्टरेट, रीजनल डायरेक्टरेट जो बनता है। और इसकी जो शाखा जो है वो कहाँ है, चंडीगढ़ में है। और इसके रीजनल जो डायरेक्टर्स हैं उनका नाम है हरिंदर कौर, क्लियर है। तो ये रहा संगठन के बारे में। अब बात कर लेते हैं गतिविधियों के प्रकार, किस प्रकार की गतिविधियां जो है NSS में रहती है। अगर आप प्लस वन या फिर आप कॉलेज गोइंग है तो आपको इसमें 240 घंटे जो है अपनी सेवा का जो है वो देना पड़ता है, आवर देना पड़ते हैं, घंटे देना पड़ते हैं। जैसे प्लस वन में है तो 120 घंटे आपको उस
एक वर्ष में देना होंगे, और जब प्लस टू में जाएंगे आप अगले वर्ष तो 120 घंटे आपको देना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 240। और इसके अलावा 7 दिन का आपका एक कैंप लगता है, उस कैंप में आपको लगातार रहना पड़ता है और समाज सेवा करना पड़ती है। तो उसमें क्या क्या कार्य रहते हैं, देखिए, सफाई करने का, वनीकरण का, आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आप जो है देश के लिए कुछ भी कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं रैली के द्वारा, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, गांव में जाकर सफाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता है, मोटे तौर पर तो ये काम बता दिए, लेकिन हर चीज़ का निर्धारण नहीं है। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मेथड अपना सकते हैं, उससे देश और देशवासी जो है वो लाभान्वित हो, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सप्ताह जो का जो शिविर होता है, उसमें सारी चीज़ें जो है आपसे करवाई जाती हैं। देखिए, जिस समाज में हम छोटे से बड़े होते हैं ना, उस समाज को आगे ले जाने का दायित्व भी हमारा बनता है। आज अगर भारत का हर एक व्यक्ति यह मानता है कि भारत एक युवा है, तो किस लिए, क्योंकि आप जैसे युवा हैं जो इस भारतवर्ष को आगे या पीछे ले जाने में जो है वो सहयोग करेंगे, आप देश को आगे ले जाएंगे, ऐसी कामना जो सभी कर रहे हैं। भारत पर, पूरा भारतवर्ष इस समय जो है देख रहा है कि हमारे युवा कुछ करने वाले हैं। तो ये कैसे होगा, आप लोगों के सहयोग से ही होगा। हम बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है केवल घर तक सीमित हो गई है, तो उस सीमित लाइफ से बाहर आपको निकालने का जो काम करती है वो करती है NSS। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की थीम क्या है, हमारा मोटो क्या है, बहुत सारे अतीत में मोटो रहे हैं, लेकिन अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मोटो है वो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि तुम। लोगों में मैं की भावना खत्म हो जाए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसको ना करते हुए, बल्कि हम आपके लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं। जैसे कि हम अब अपने इतिहास को देखें, खंगालेंगे तो हमारा जो है, हमारी संस्कृति में एक शब्द आता है, या प्राचीन काल से, या हम करके वैदिक काल से, वासुदेव कुटुंबकम। ये शब्द क्या मायने रखता है, इसका इंग्लिश में अगर मायने देखा जाए तो द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इन वन फैमिली, हमारा, हम पूरा भारतवर्ष एक घर है, पूरा जो पृथ्वी है एक घर है। तो इस प्रकार से सभी को अपनाकर जो है आगे बढ़ना है, उसको कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, जो सिखाता है कौन, थीम नॉट मी बट यू, तो याद रखना है। अन्य पहल, बहुत सारे अन्य पहल, दूसरे जो संस्थाएं हैं जैसे कि NCC है, या स्काउट एंड गाइड है, NSS तो है ही, इन सभी का एक ही ध्येय है, सभी का एक ही है कि बच्चों में समाज के प्रति जो है वो आदर, रिस्पेक्ट की भावना लाना, और समाज के लिए काम करने की भावना को उजागर करना, ये सभी रहता है। बहुत सारे समय में हमने देखते हैं कि जब भी आपदा आती है, या फिर रक्तदान देना हो, यात्रा, यातायात को नियंत्रण करना हो, इवन तब भी जो है बहुतों की ड्यूटीज़ है, बहुतों को जो है काम देना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि वो बच्चे खासतौर पर NCC और NSS, अब तो आपको परेड, जो आपका RD परेड, रिपब्लिक डे परेड होती है, वहाँ NSS की जो बच्चे हैं उनको भी सिलेक्ट किया जाता है, और जो बच्चा वहाँ पर जाता है उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। मैंने भी 95 में NCC में रहकर जो दिल्ली में जो है वो परेड में हिस्सा लिया था, तो मेरे लिए कितने सम्मान की बात है, पूरे गांव के लिए सम्मान की बात है। और मैं आज भी उस जज्बे को लेकर जो अपने बच्चों में, अपने स्कूल के बच्चों में जाकर जो है शिक्षा देता हूं, तो वो जज्बा आज भी मेरे में विद्यमान है। तो मैं कहता हूं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए अपने में आप कितना चेंज जो है वो आता है। लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ जाइए, नेगेटिव सोच को लेकर जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं NSS का पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं, आपके काम के ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं वहाँ पर निर्भर करता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, राज्य स्तरीय भी है, हर प्रकार के पुरस्कार, कॉलेज लेवल पर, जिला स्तर पर आपको सम्मानित किया जाएगा आपके अच्छे काम के लिए। और इनमें से एक का ही नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1921 में निर्मल बिनो, इनको जो है ये BTech कर रहे थे, और इनको जो है दिया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट NSS वॉलंटियर। ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जिनको जो है राष्ट्रपति के हाथों से, किसने किया, श्री कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों से। सोचिए जरा, राष्ट्रपति भवन में मुझे भी जाने का मौका मिला था, आप जब एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप में ही एक सामान्य बात जो है लगती है। तो मुझे डिनर का मौका वहां पर मिला था, तो ये बड़ी बात है कि आप जाएं और उनके हाथों से सम्मान ले, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का मौके जो है NSS में मिलते हैं। फिर कुछ एक क्वेश्चन जो आपके जहन में चल रहे हैं, उनके जवाब भी मैं आपको देना चाहता हूं कि व्हाई इज NSS इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं कि बच्चों को ही प्रारंभ से ही ये चीज़ें
आ जाएं तो बहुत बेहतर है, नहीं लेकिन बाद में बोलते हैं ना पक्के घड़े को कभी बिल नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों में ही ये आदतें डेवलप हो जाए तो बहुत है। देखिए क्या रहता है NSS ज्वाइन कर, क्या बेनिफिट्स है आपको। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप पैसे देकर भी जो है आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस संस्था को ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस, आपको एडमिशन कॉलेज में एडमिशन लेना हो, इन लीडरशिप क्वालिटी या डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है जो आज की लोगों में, आज के बच्चों में देखने को नहीं मिलता, ये सारी भावनाएं कहाँ से मिलती है, हमें NSS ये सारी चीज़ें सिखाता है। फिर आता है इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ NSS सर्टिफिकेट। देखिए NSS और NCC में ABC सर्टिफिकेट जो है आपको मिलते हैं और इनके बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है, आप लेके देखिए। अगर NSS की बात करें तो आपको 11th 12th में जो है ए सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसके लिए 240 आवर्स आपको डोनेट करना पड़ता है और 7 डेज का आपको कैंप लगाना पड़ता है और फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। कॉलेज में जाएंगे तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा और सी सर्टिफिकेट मिलेगा, बी सर्टिफिकेट के लिए ठीक उसी प्रकार से जो मैंने ए सर्टिफिकेट के लिए आपको कहा, लेकिन सी सर्टिफिकेट के लिए बी सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा 7 डेज का जो कैंप या 10 डेज का कैंप लगता है वो किसी गांव में लगता है और लगातार आपको वहां पर रहना पड़ता है, और उसके बाद आपको लगभग जो है 20-30 पेज का एक थीसिस लिखना पड़ती है और उसे अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इज NSS सर्टिफिकेट यूजफुल इन गवर्नमेंट जॉब्स? बिल्कुल डेफिनेटली। अभी पुलिस की जो है भर्ती हो रही है, उसके लिए इंटरव्यू होना है और उसके लिए 3 नंबर जो है रखे गए इंटरव्यू में स्पेशल, किस लिए? NSS का सर्टिफिकेट जिसके पास है, तो है अपॉर्चुनिटी है। फिर बात कर लेते हैं इज NSS सर्टिफिकेट यूजफुल IAS, जो टॉप की जो सबसे रैंकिंग की जो जॉब्स हैं UPSC जो कंडक्ट करवाता है, तो वहां पर भी इनडायरेक्टली तौर पर जो बच्चे NCC NSS में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और यहाँ इंटरव्यू के टाइम में कॉन्फिडेंस ही काम करता है। आप बहुत रट्टू हैं, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारा नॉलेज जो है वो गायब हो जाता है कैंडिडेट से। ये इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, NSS का बच्चा बेटर कैंडिडेट होगा अदर देन दूसरे बच्चों से। फिर डज NSS हैव रिजर्वेशन? रिजर्वेशन बिल्कुल है, 5% रिजर्वेशन इन एडमिशंस कॉलेज लेवल तक और एज चूजन बाय द इंस्टीट्यूट। अलग अलग इंस्टीट्यूट है जिनका अपना अपना जो है वो तरीका रहता है, लेकिन 3-5% की रिजर्वेशन जो है NSS के लिए होती है। वट इज़ द पर्पज ऑफ NSS? पर्पज क्या होता है? अरे पर्पज वही है क्या कहा गया है कि शिक्षा द्वारा समाज की सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा, ये हमारा जो है पर्पज है NSS का। सोशल के जिस समाज में हम छोटे से बड़े हुए, जिन लोगों को देखते हुए, जिस एनवायरनमेंट में रहते हुए, उसके प्रति हमारे कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए, उनका निर्वहन होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज़ याद रखना है कि जब भी NSS का वॉलंटियर्स मिलता है, यदि आपके ऑफिसर्स मिलते हैं, तो आप जय हिंद कहकर, जय हिंद सबसे ऊपर क्या है, जय हिंद भारत मेरा देश सबसे ऊपर है, तो इसलिए जय हिंद कहकर जो है पुकारा जाता है, तो अपमान में कितना सामान्य जनक लगता है जब एक दूसरे से मिलना होता है। तो इस सब को भी आप जरूर पहचानिएगा, इसकी रिस्पेक्ट को समझिएगा। तो ये हो गया पर्पस। और अंत में केवल 2 लाइनें कहना चाहूँगा, कितना सुंदर विचार है कि मैं जब भी किसी गरीब को हंसते हुए देखता हूँ, मैं जब भी किसी गरीब को हंसते हुए देखता हूँ तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है, कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से कभी नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। तो तुम इन गरीबों की खुशियों का कारण बन जाओ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और जल्दी से NSS ज्वाइन कीजिए और कुछ अच्छा कर जाइए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अमर हो जाइए। इसी शुभकामना के साथ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।